स्वागत है आप सभी का नासिक में। नासिक जहाँ पर भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता माता ने वनवास के समय पर काफी दिन बिताए थे, और इसी जगह पर सीता माता की पवित्र गुफा भी है, और यहीं पर लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा का नाक भी काटा था। इस वीडियो में हम आपको नासिक के सभी टूरिस्ट प्लेसेस घुमाने वाले हैं। होटल रूम्स के रेट क्या होंगे और खाने पीने से लेकर बजट में ट्रैवलिंग करने तक, और इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। नासिक आने के लिए ट्रेन सबसे सस्ता ऑप्शन है, और नासिक रेलवे स्टेशन के बाहर से पंचवटी जाने के लिए बहुत सारी बसेस मिल जाएगी। त्र्यंबकेश्वर जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक पवित्र स्थान है और नासिक से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में जो शिवलिंग है इसे त्रिमूर्ति कहते हैं, यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश। और इसी मंदिर से कुछ ही दूरी पर कुशावर्त कुंड है जो गोदावरी नदी का स्रोत है। यहाँ पर पवित्र स्नान करने के बाद भक्त दर्शन करने के लिए जाते हैं, और ब्रह्मगिरी पर्वत पर गोदावरी नदी का उगम स्थान है। त्र्यंबकेश्वर आने के लिए आपको नासिक के ओल्ड CBS बस स्टैंड से बस मिल जाएगी जो 50 रुपीज में आपको त्र्यंबकेश्वर पहुंचा देगी। नासिक में पंचवटी यात्री होटल में मैं रुका था। इस होटल में आपको स्टैंडर्ड रूम से लेकर फैमिली सुइट तक मिलता है, और यहाँ पर एक रेस्टोरेंट भी बना हुआ है, और इस होटल में आपको प्रीमियम वेज थाली भी मिलती है जिसमें आपको अनलिमिटेड डिलीशियस फूड दिया जाता है। और नासिक में आपको 700 से लेकर 2000 तक होटल रूम्स मिल जाएंगे, और सस्ते होटल बुकिंग के लिए आप ऑनलाइन ही होटल बुक करना। पंचवटी जहाँ पर रावण ने सीता माता का हरण किया था, और इसी जगह पर सीता माता की पवित्र गुफा भी है। भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता माता अपने वनवास के समय पर काफी दिनों तक इसी गुफा में रहे थे, और गुफा के अंदर जाने के लिए आपको बैठकर जाना होता है। और इसी गुफा के अंदर सीता माता का श्रृंगार गृह है, और इसी गुफा में बैठकर सीता माता शिव जी की पूजा किया करती थी। और सीता माता के गुफा के सामने ही आपको 5 बड़े वट वृक्ष नजर आएंगे, इसीलिए इस जगह को पंचवटी नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर आप ओनली 1 रुपीज में सीता हरण एग्जीबिशन भी देख सकते है। अभी हम आ चुके हैं काला राम मंदिर में, और इस मंदिर में जो मूर्तियां है भगवान श्री राम, लक्ष्मण, सीता माता और हनुमान जी, यह मूर्तियां काली रंग की है, इसीलिए इस मंदिर को काला राम के नाम से जाना जाता है। और इस मंदिर में जो मूर्तियां है यह गोदावरी नदी में स्वयंभू रूप में पाई गई थी जो 2000 साल से भी पुरानी है, और इस मंदिर के जगह पर पहले पर्णकुटिया हुआ करती थी, और यह मंदिर सीता माता की गुफा से मात्र 2 मिनट के दूरी पर है। अभी हम आ चुके हैं गोरे राम मंदिर में, और इस मंदिर में जो मूर्तियां है यह सभी मूर्तियां व्हाइट मार्बल से बनी हुई है, इसीलिए इस मंदिर को गोरे राम मंदिर के नाम से जाना जाता है। और यह मंदिर पूरा लकड़ियों का बना हुआ है जो 200 साल से भी पुराना है, और यह मंदिर काला राम मंदिर से मात्र 5 मिनट के दूरी पर है, तो यहाँ पर आप जरूर आना। अभी हम आ चुके नासिक के सबसे फेमस पंचवटी घाट पर, जहाँ पर पवित्र गोदावरी नदी बहती है, और यहाँ पर 3 कुंड है जिसे राम कुंड, लक्ष्मण कुंड और सीता कुंड कहते हैं, जहाँ पर सभी भक्त स्नान भी करते हैं। और नासिक में 12 साल में एक बार जो कुंभ मेला लगता है उसका शाही स्नान यहीं पर होता है, और यहाँ पर 3 नदियों का संगम स्थल है, अरुणा, वरुणा और गोदावरी जिसे त्रिवेणी संगम भी कहते हैं, और यहाँ पर अस्थियां भी बहाई जाती है। और इसी जगह पर ये ब्यूटीफुल सा वाटरफॉल है, जहाँ पर शाम के समय पर सभी टूरिस्ट ये वाटरफॉल और सनसेट देखने के लिए यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर आप जरूर आना। अभी हम आ चुके हैं तपोवन में, जहाँ पर सीता माता ने भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश इनको साक्षी मानकर अग्निकुंड में प्रवेश किया था, और यहाँ पर कपिला ऋषि ने तप करके कपिला नदी को प्राप्त किया था, तो यहीं पर गोदावरी नदी और कपिला नदी का संगम स्थल है। और यहाँ पर ब्रह्मा कुंड, विष्णु कुंड, मुक्ति तीर्थ, रुद्र कुंड, अग्नि तीर्थ, कपिला संगम, कपिला तीर्थ
ऐसे पवित्र अष्ट तीर्थ यही पर है। इसी जगह पर लक्ष्मण जी ने शूर्पनखा का नाक काटा था। तभी शूर्पनखा अपने भाई रावण के पास गई और रावण ने अपने भाई युद्ध करने के लिए यहाँ पर भेजे थे। इस वजह से सीता माता को पंचवटी के सीता गुफा में रखा गया था। लेकिन रावण जिस सीता माता को हरण करके लेकर गया था वो सीता माता का असली रूप नहीं था, क्योंकि सीता माता का असली रूप यहाँ पर अग्निकुंड में था। और लक्ष्मण जी ने शूर्पनखा का नाक काटा, इसीलिए नासिक का नाम नासिक पड़ा। और ये तपोवन पंचवटी से 3 किलोमीटर के दूरी पर है, तो यहाँ पर आप जरूर आना। शिवजी के हर मंदिर में नंदी महाराज तो होते है, लेकिन नासिक में गोदावरी नदी के तट पर कपालेश्वर महादेव मंदिर में नंदी महाराज विराजमान नहीं है, क्योंकि शिवजी से ब्रह्म हत्या का पाप हुआ था। और ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए छोटे से बछड़े ने यानी कि नंदी महाराज ने शिवजी को यह कहा कि आप गोदावरी नदी पर राम कुंड में स्नान करिए, तभी आप ब्रह्म हत्या से मुक्त हो जाओगे। इस तरह से शिवजी ब्रह्म हत्या पाप से मुक्त हो गए और इस वजह से उन्होंने नंदी महाराज को अपना गुरु मान लिया। और इस वजह से कपालेश्वर महादेव मंदिर के सामने नंदी महाराज विराजमान नहीं है। नासिक में आप पंचवटी के पास में ही अपना होटल रूम लेना, क्योंकि पंचवटी के आसपास में ही सभी जगह बनी हुई है जो आप चलकर आसानी से घूम सकते हैं। और नासिक आपको घूमने के लिए पूरा एक ही दिन काफी है। एक दिन में आप नासिक के सभी जगह घूम लोगे। अगर आपको त्र्यंबकेश्वर जाना है तो आपको नासिक में 2 डेज का स्टे लेना होगा। और सस्ते में होटल बुक करने के लिए आप पहले से ऑनलाइन होटल बुक करना। अगर आप अपने फ्रेंड के साथ नासिक आ रहे हो तो पर पर्सन 500 से लेकर 1000 रुपए तक नासिक घूमने के लिए आपको बजट आ सकता है। अभी हम आ चुके हैं भक्तिधाम मंदिर में, और ये मंदिर पंचवटी घाट से 1 किलोमीटर के दूरी पर है। और इस मंदिर के अंदर बहुत सारे देवी देवता की प्रतिमा है जो व्हाइट मार्बल से बनी हुई है। और इस मंदिर के एंट्री गेट पर सप्तश्रृंगी माता की बहुत ही ब्यूटीफुल प्रतिमा बनी हुई है, तो इस मंदिर में आप जरूर आना। नासिक रेलवे स्टेशन नासिक सिटी से 12 किलोमीटर के दूरी पर है। और नासिक रेलवे स्टेशन के बाहर से हर आधे घंटे में आपको पंचवटी आने के लिए बस मिल जाएगी जो आपसे 30 रुपए चार्ज लेती है। सो इस व्लॉग को यही पर एंड करते हैं। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में।